आप सभी का वेलकम है, स्वागत है के इस और मैं अंकित गुप्ता करता लोग क्लास के साथ यहां पर जुड़ चुके हैं सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दाइव सभी लोग रेडी हैं तो एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजिएगा कि यस सर वी आर रेडी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं तो एक बार फटाफट से सभी लोग यस लिखकर बताइएगा बेसिकली आज हम लोग टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स के इस क्लास में हम लोग यहाँ पर पर्सन इन न्यूज पर डिस्कशन करेंगे यानी कि नवंबर जून से लेकर नवंबर 2023 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो चर्चा में रही हैं जो खबरों में आपकी यहां पर रही हैं उनको बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की अगर बात करें ठीक है क्लियर है मेरी बात तो सभी लोग तैयार हैं सेशन के लिए तो एक बार यस लिखकर मुझे यहाँ पर बताएगा कि यस सर वी आर रेडी फॉर द सेशन हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सेशन के लिए रेडी हैं बिल्कुल यहाँ पर सेशन के लिए तैयार हैं तो एक बार फटाफट से सेशन को यस यानी कि फटाफट से सेशन में यहाँ पर यस लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ओके शुरू करें क्लास को पर्सन इन न्यूज आप ये देखिए किसी भी फील्ड में हो सकते हैं बेसिकली किसी भी फील्ड में ये हो सकते हैं पर्सन इन न्यूज की बात करें या किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकते हैं लेकिन अगर चर्चा में रहे हैं 2023 में खबरों में रहे हैं 2023 में इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे बात समझ में आ रही है तो शुरू करें सेशन सभी लोग तैयार आगे बढ़ने से पहले डू like लोग फट लोगों ने अभी तक को ना किया हो, एक बार फटाफट से को करना है और दूसरा जरूरी काम की फटाफट से सेशन की लिंक को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा तो डू लाइक एंड शेयर द सेशन एवरी वन फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर यहाँ पर सभी लोग जरूर कर दें आगे बढ़ने से पहले और हम लोग पर्सन इन न्यूज ये जो टॉपिक आपके यहाँ पर बनता है करेंट अफेयर्स का इसको हम ऐसे भी देखेंगे कि एम एप्लिकेशन पर आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एम्बाइव एप्लीकेशन पर कैसे कर पाएंगे यहां पर क्लास में तो आप ज्वाइन कर ही रहे हैं बाकी एम्बाइव एप्लीकेशन में आप किस तरीके से इस सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो सभी लोग तैयार हैं इससे यस आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको यहाँ पर स्केड्यूल बता देते हैं कि डेली बेसिस पर क्लासेस का क्या स्केड्यूल है डेली बेसिस पर क्लासेस का स्केड्यूल आपके सामने है जहाँ पर डेली बेसिस पर जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एट ए के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं थ्री पी का सेशन ये भी डेली बेसिस पर होता है और इस समय हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर का डिस्कशन कर रहे हैं और आज का टॉपिक है पर्सनस इन न्यूज गुड आफ्टरनून मानसिंह प्रिया मानसिंग अर्पित गुड आफ्टरनून आकांक्षा सभी को यहाँ पर गुड

चलिए तो सेशन को शुरू किया जाए और सेशन की शुरुआत हम लोग यहां पर जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे तो एमबाइव एप्लीकेशन पर किस तरीके से कर सकते हैं वो भी देखेंगे और साथ ही साथ वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है और एम बाइव एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस होने के बाद एमबाइव एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस होने के बाद हम क्या करेंगे आगे के सेशंस को भी हम लोग यहां पर ज्वाइन कर लेंगे ठीक है जस्ट अ मिनट मुझे एक मिनट यहां पर दीजिएगा जस्ट अ मिनट ठीक है मैं यहां पर इसे लॉगिन कर लेता हूं वी बिलीव इन यू Okay. तो चलिए लॉग इन का इश्यू था और लॉग इन यहां पर हो गया है तो अब चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले यहां से डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है तो कुछ क्वेश्चंस पहले यहां से डिस्कस करेंगे हम लोग एम्बाइव एप्लीकेशन पर एम्बाइब एप्लीकेशन पर कैसे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले तो आपको आपकी कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है जो कि मेंस एग्जाम कैटेगरी आपकी रहेगी क्योंकि जीए का सेशन आपको मेंस एग्जाम कैटेगरी में ही मिलेगा तो एस बी आई पीओ मेन्स और आपको यहाँ पर जाना है अडेप्टिव प्रैक्टिस वाले सेक्शन में यहाँ पर ऊपर की तरफ अडेप्टिव प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाने के बाद आप इस तरीके से भी जा सकते हैं पर्टिकुलरली जीए के लिए तो यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करें आगे अगर आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको जीए का सेशन देखेगा आप यहां पर जीए के टैब पर क्लिक करेंगे तो आगे के सारे के सारे जो भी आ, प्रैक्टिस रिलेटेड मटेरियल है वो सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको जीए से रिलेटेड आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है जीएस रिलेटेड बुक्स जीएस रिलेटेड मॉक टेस्ट वगैरह और जीएस रिलेटेड टेस्ट वगैरह बुक सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यहाँ पर हम लोग बुक्स के साथ साथ जाएंगे एक्सप्रेस 365 सिक्सटी फाइव करंट अफेयर्स बुक जो आपकी यहाँ पर है इस बुक में प्रैक्टिस के लिए करीब करीब 1700 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप, आपके इस बुक में मौजूद हैं तो आप सत्रह से भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर कर पाएंगे जैसे ही आज आप इस बुक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे चैप्टर पूछता है कि आप किस चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं को आपके सामने है और हमने अभी जो चैप्टर हम लोग हैं, हैं वो है, तो आप देखेंगे कि जो तीसरा है Persons, इसमें पर्सन के साथ साथ प्लेसेस जो भी प्लेसेस चर्चा में रहे हैं खबरों में रहे हैं और जो भी इवेंट्स यहाँ पर बनते हैं चैप्टर थ्री आपको यहाँ पर दिख जाएगा चैप्टर थ्री में पर्सन प्लेसेस एंड इवेंट्स आपके मौजूद हैं और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बुक एंड अवार्ड्स ऑथर देखिए पर्सनस वो रहेंगे जो आपके अलग अलग अवार्ड्स में चर्चा में रहे खबरों में रहे बुक्स एंड ऑथर्स में खबरों में रहे डेज एंड डेट्स रहेंगी ठीक है फेयर्स एंड फेस्टिवल फेमस प्लेसेस अब यहाँ पर आता है फेमस पर्सनैलिटीज लिखा हुआ है सभी को दिख रहा है फेमस पर्सनैलिटीज और हम लोग आज का टॉपिक फेमस पर्सनैलिटीज या पर्सन इन न्यूज पर ही डिस्कस करने वाले हैं फेमस पर्सनैलिटीज पर मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है और फेमस पर्सनैलिटीज पर टिक करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रैक्टिस शुरू करेंगे रेडी है सभी प्रैक्टिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो बी रेडी पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है आराम से क्वेश्चन को रीड करिएगा और आंसर दीजिएगा जितना जल्दी आंसर देंगे उतना बेहतर होगा आइडियल टाइम के अंदर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा रिसेंटली फांगोंग बिकम फर्स्ट फ्रॉम इंडियन स्टेट टू प्रिइड ओवर दी राज्यसभा एज अ मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट राज्यसभा की मेंबर बेसिकली यहां पर बोला गया है कि यहाँ पर पहली वेमेन पहली महिला आपकी यहाँ पर बनी है किस राज्य से फांगोंग कोक जिन्हें यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है

57 सेकंड्स में क्या ये क्वेश्चन है, है एक बार लिखकर कर बताएगा क्या क्वेश्चन है, है ये क्वेश्चन ओवर टाइम यानी कि आपने जरूरत से ज्यादा वक्त लिया है इस क्वेश्चन का आंसर करने में फुल सोल्यूशन पर नीचे हम क्लिक करेंगे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फुल सोल्यूशन है वो भी हमारे सामने आपके सामने आ जाएगा फांगो कोनिया की बात करें बीजेसी बीजेपी से बिलोंग आपकी यहां पर करती हैं और एक हिस्टोरिक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है बिकमिंग फर्स्ट ये पहली महिला बनी है नागालैंड की जो कि राज्यसभा के लिए आपकी यहां पर इलेक्ट हुई है ठीक है क्लियर है मेरी बात क्लियर मेरी बात चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके आंसर यहाँ पर दीजिएगा रिसेंटली जोनस वन दी वन हंड्रेड एंड टेंडिशन ऑफ दी फ्रांस ही जोनस वेनगार्ड ने रिसेंटली 110वां एडिशन टूअर डी फ्रांस का जीता है वे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं पांच ऑप्शन वे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं पांच ऑप्शन अभी भी आपके पास आइडियल टाइम है सही जवाब फटाफट से दीजिएगा और 30 सेकंड से ऊपर से हो चुका है यानी कि अब यह क्वेश्चन ओवर टाइम अटेम्प्ट काउंट होगा तो जब आप एम्बाइव एप्लीकेशन पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप 30 सेकंड के अंदर आंसर कर देते हैं तो इससे आपका तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ही और आपको पता चलेगा कि भाई एग्जाम में भी मुझे कम से कम वक्त में क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब अर्पित कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ई हो सकता है आकांक्षा कह रही है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई बाकी लोग क्या कह रहे हैं टूअर डी फ्रांस टूअर डी फ्रांस जीतने वाले जोनस विंगार्ड ये बेसिकली इन्होंने एक एडिशन यहाँ पर जीत लिया है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं फ्रांस नीदरलैंड स्वीडन डेनमार्क और नॉर्वे बाकी लोग अंदाजा लगाइए कोशिश कीजिए कि की सही जवाब क्या हो सकता है अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि की इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप ही लोग बताएंगे क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ही लोग इस क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आप लोग बताएंगे वही मैं टिक कर दूंगा बाकी लोगों के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए भाई ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर बी आया है ऑप्शन नंबर ई है नॉर्वे ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड बाकी लोग क्या कहते हैं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई जल्दी आंसर दो आपको जो लगे या भाई आपको लगता है अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो आंसर लगता हो वो आंसर बताएगा फ्रांस नीदरलैंड स्वीडन डेनमार्क और नॉर्वे पूनम जी भी कह रही हैं नहीं हिंट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है है ना हिंट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है अच्छा एक चीज और कि हिंट वाला ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन में होता तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेता यानी कि हिंट वाला ऑप्शन काम करता है हिंट वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए हेल्पफुल है येस और नो तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी है देख लेते हैं क्या नीदरलैंड सही जवाब है नहीं नीदरलैंड गलत जवाब है एक तो हमने ओवर टाइम किया यानी कि जरूरत से ज्यादा वक्त लिया दो मिनट का वक्त हमने ले लिया ऊपर से आंसर यहां पर गलत है नीदरलैंड और ऑप्शन नंबर ई के साथ जो लोग जा रहे थे नॉर्वे वो भी गलत है इस क्वेश्चन का सही जवाब डेनमार्क आपका यहां पर बनता है अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो अब मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई एम्बाइव एप्लीकेशन का फीचर है कि जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के दौरान गलत करते जाएंगे उन्हें बाद में हम एक साथ एक ही जगह वापस से रिवाइज कर पाएंगे उनका रिवीजन कर पाएंगे एक ही जगह उनको वापस से देख पाएंगे ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और जो क्वेश्चन हमने गलत किए हैं उनको वापस से ठीक किया जा सके बोलो हाल्यूशन की बात करें तो इस सोल्यूशन में फुल सोल्यूशन की बात करें तो डेनमार्क के जोनस विनगार्ड रिप्रेजेंट करते हैं झुम्बू विजमा प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम को इन्होंने यहां पर एक सौ तो दसवा एडिशन फ्रांस का यहां पर जीत लिया है ठीक है क्लियर है मेरी बात साथ ही साथ अगर मैं बात यहां पर करूं तो लिखा है कि दीस वीडियोस विल हेल्प यू टू लर्न दी अबव कॉन्सेप्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो यहां पर हमें एमबाईव का जो एमबीएआई है वो हमें एक वीडियो भी रिकमेंड कर रहा है कि भाई आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो अभी आपको और सीखने की जरूरत है तो ये एमबाईव एप्लीकेशन आपके बिहेवियर को एनालाइज करके आपकी जरूरत के वीडियोस आपकी जरूरत की नॉलेज आपके जरूरत के टास्क आपको समय समय पर ऑफर करता रहेगा ताकि आप उससे सीख सके तो यहां पर एक वीडियो ऑफर किया गया है तो जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो उस वीडियो को भी साथ ही साथ आप लोग वॉच आउट कर लेंगे राइट चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रीड करिए और आंसर दीजिएगा यहां पर सही जवाब रिसेंटली एडमिरल लीजा फ्रेंसे बिकेम फर्स्ट वेमेन टू लीड दू यूएस नेवी इन विच ईयर वॉज द इन व्हिच ईयर शी वॉज कमीशन इन द यूएस नेवी किस वर्ष उन्हें यूएस नेवी में शामिल किया गया था एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी की बात यहां पर हो रही है पांच ऑप्शन आपके सामने हैं कब इन्हें यूएस नेवी में शामिल किया गया था कमीशन किया गया था पांच ऑप्शन 1985 में 1986 में 1987 में तो ये वाला ऑप्शन नंबर ई वैसे थोड़ा गलत है लेकिन आप 1987 इसे मानकर चलिएगा 1988 और 1989 अर्पित का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1987 ठीक है आकांक्षा का आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो भाई जल्दी जल्दी आंसर करो क्वेश्चन तो समझ में आ गया एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा एडमिरल लीसा प्रंचेटी ये बनी है फर्स्ट विमेन जो लीड करेंगी यूएस नेवी को किस वर्ष इन्हें यूएस नेवी में शामिल किया गया था पांच ऑप्शन आपके सामने बताओ सही जवाब करेक्ट आंसर भाई डी ऑप्शन के जो आंसर देने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं दो लोगों ने आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने को कहा है बाकी लोगों ने तो आंसर टिक किया ही नहीं है 1988 नहीं ये गलत जवाब है 1985 इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ना कि ऑप्शन नंबर डी फुल सॉल्यूशन पर जाकर आप अपनी गलती देख सकते हैं ठीक है फुल सोल्यूशन पर जाकर आप इसे रीड कर सकते हैं साफ लिखा हुआ है 1985 में इनको यहाँ पर यूएस नेवी में कमीशन किया गया था नीचे हमें एक वीडियो रिकमेंड हो रहा है ठीक है और इस वीडियो को क्लिक uh, करके देख सकते हैं आप वॉच कर सकते हैं एआई ने रिकमेंड किया है क्योंकि एआई को पता चल गया है कि आपका एक्यूरेसी थर्टी ही रह गया है

मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यहां पर टिक कर दिया है शाहरुख खान बिल्कुल सही है 25 फाइव सेकेंड के अंदर आप लोगों ने आंसर यहां शाहरुख nice. nice, बिल्कुल, बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के अगर आंसर की मैं बात करूं यहां पर ठीक है बिल्कुल सही है शाहरुख खान फुल सॉल्यूशन देखना चाहे तो फुल सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं

अपनी कंपनी का चेयरमैन यहां पर अपॉइंट किया है कंपनी का नाम क्या बनेगा फटाफट कंपनी <can> <person> का नाम क्या बनेगा किस कंपनी ने रिसेंटली आर शेषाई को अपनी कंपनी का चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट किया है इसका सही जवाब बनता है अभी तक केवल अर्पित ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए और 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त हो चुका है अर्पित के ऑप्शन के साथ जाएंगे तो एशियन पेंट इज द राइट आंसर हियर यहां पर एशियन पेंट बिल्कुल सही जवाब है कंपनी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं ठीक है क्लियर है मेरी बात चलिए बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब जी देखिए इस ए ने ये पकड़ लिया हमारे बिहेवियर को यहां पर पकड़ लिया है अटेंशन करके हमें एम बी बोल रहा है कि लर्न इंटरवेंशन आपको और सीखने की जरूरत है प्लीज लर्न दीज वीडियोस फ्रॉम यू मूव अहेड आप इन वीडियो से सीख सकते हैं और ये ए हमें कह रहा है कि आपकी जो प्रैक्टिस एक्यूरेसी अभी साठ परसेंट है आपकी प्रैक्टिस एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट हो सकती है अगर आप मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं क्योंकि ये एक ए एप्लीकेशन है और हमारे ए का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है एम बी हमें कह रहा है कि भाई प्रैक्टिस एक्यूरेसी आपकी साठ से हंड्रेड हो सकती है कृपया इन दो वीडियोस को देख लीजिए इससे आपको काफी लर्निंग मिलेगी काफी याद करने को मिलेगा तो क्या आपने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन देखी है जो आपके बिहेवियर को पढ़कर आपकी कमजोरियों को एनालाइज करके खुद ही आपके सामने एक स्टडी मटेरियल लेकर आए कि भाई इस स्टडी मटेरियल को पढ़िए इससे आपका एक्यूरेसी और इंक्रीज हो सकता है आपके बिहेवियर से आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए हैं जिस वजह से मैं आपको यहाँ पर ये लर्न इंटरवेंशन दे रहा हूँ कोशिश कीजिए अब आपके ऊपर है कि आप हैं हैं इन वीडियोस को देखना चाहते हैं या नहीं बैकग्राउंड तो में एक ऑप्शन आपको यहां पर दिख जाएगा कॉन्टिन्यू प्रैक्टिस का तो आप कॉन्टिन्यू भी कर सकते हैं प्रैक्टिस या इन वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे आपका करंटी लेवल इंक्रीज होकर हंड्रेड तक आपका पहुंच जाएगा ठीक है मैं अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस पर क्लिक कर रहा हूं ताकि हम लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें। रिसेंटली वन ऑफ द इंडिया फेमस पर्सनैलिटी जिनका नाम है नंब नंबू जी इनका निधन आपके यहां पर हुआ है फेमस पर्सनैलिटीज फेमस ऑबिचोरीज तो रिसेंटली वन ऑफ दर्सनैलिटी उनका संबंध किस फील्ड से था तो नंबू थ्री जी आपके म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करते थे डांस की फील्ड से ड्रामा की फील्ड से पेंटिंग की फील्ड से या फिर इनमें से कोई नहीं पांच ऑप्शन सही जवाब नंबू थ्री जी का रिसेंटली डेथ हो गई है उनका रिसेंटली निधन हो गया है तो बेसिकली वो किस फील्ड से संबंधित थे बेसिकली वो किस फील्ड से संबंधित थे पांच ऑप्शन सही जवाब आंसर सभी लोग मैग्जिम लोगों का आंसर यहां पर क्या आ रहा है डी ऑप्शन कुछ लोग ए कह रहे हैं कुछ लोग डी कह रहे हैं पेंटिंग ओके पेंटिंग ऑप्शन की बात करें तो ये यहाँ पर सही जवाब है जो लोग ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो गलत है इसका सही जवाब है कि वो एक जाने माने पेंटर और वो पेंटिंग फील्ड से बिलोंग करते थे फुल सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा उनसे रिलेटेड ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इंडियन आई टी कंपनी ग्लोबल ब्रांड निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेडर राफेल नडाल को बनाया है पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसिडर यहां पर बनाया है पांच ऑप्शन इन्फोसिस विप्रो टीसीएस डेल कॉग्निजेंट फेमस पर्सनैलिटी सही जवाब करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कि इन्फोसिस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाया है राफेल नडाल को बिल्कुल सही है फुल सोल्यूशन पर क्लिक करके आप फुल सोल्यूशन भी यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये रहा फुल सोल्यूशन ठीक है क्लियर है फीमेल कैटेगरी में ईगातक नाम की जो टेनिस खिलाड़ी हैं उनको फीमेल कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है नेक्स्ट क्वेश्चन हुए हैं उनका नाम थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो आपके यहां पर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा और आंसर दीजिएगा पांचों ऑप्शन आपको विजिबल है पांचों ऑप्शन आपको यहां पर विजिबल है और आपको बताना है कि इनमें से किसे रिसेंटली यहां पर थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है क्वेश्चन नंबर एट हम लोग टोटल दस क्वेश्चन एम एम्बाइव एप्लीकेशन से डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब का जो नॉर्मल सेशन होता है उससे डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप टॉपिक वाइज एम एम्बाइव एप्लीकेशन से कर सकते हैं मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो देखेंगे क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यस ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर बनता है वेरी गुड एवरीवन फुल सोल्यूशन पर क्लिक करके हम यहां पर पढ़ सकते हैं साठ साल इनकी उम्र है थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं 727 वोट्स में से चार सौ बयासी वोट्स इनको यहाँ पर वहां की पार्लियामेंट में मिले हैं और ये थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इसका भी फटाफट से आंसर दीजिएगा सोशल एक्टिविस्ट बिंदवेश्वर पाठक पास अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट हृदय आघात या फिर हार्ट अटैक की वजह से बिंदवेश्वर पाठक जी का निधन हो गया है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्हें किस लिए जाना जाता था उन्होंने किसकी स्थापना आपकी यहाँ पर की थी उन्हें किस लिए जाना जाता था वो किसके फाउंडर थे पांच ऑप्शन सही जवाब वो किसके फाउंडर थे आपके यहाँ पर तो वो फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल जो कि हमें जगह जगह पर सुलभ इंटरनेशनल के टॉयलेट्स जो कि एक तरीके से पब्लिक सैनिटेशन के लिए पब्लिक टॉयलेट्स के लिए लोगों को प्रमोट करते थे साफ और सुरक्षित और बहुत ही लो कॉस्ट पब्लिक टॉयलेट सर्विस प्रोवाइड कराई जाती थी सुलभ इंटरनेशनल अभी भी चलता है और ये अभी भी वर्किंग है इंडियन ऑरिजिन वैभव तनेजा हैज बीन नेम्ड द सी ऑफ टेस्ला बाई रिप्लेसिंग भारतीय मूल के वैभव तनेजा रिसेंटली सी बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपके यहाँ पर बने हैं टेस्ला के उन्होंने किसको रिप्लेस आपके यहाँ पर किया है किसकी जगह पर वो टेस्ला के सीएफओ बने हैं बताओ सही जवाब फटाफट से आंसर किसका स्थान उन्होंने आपका यहां पर लिया है और वो सीएफओ यहां पर बन गए हैं टेस्ला कंपनी के पांच ऑप्शन आपके सामने हैं सही जवाब इस क्वेश्चन का अब देखिए यहां पर हमारे पास एक हिंट है हिंट ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि जिस पर्सनालिटी की यहाँ पर बात की जा रही है उन्होंने टेस्ला को ज्वाइन किया था 2010 में एज अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट और पांच बार इनको प्रमोशन भी मिल चुका है सही जवाब इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ई तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आंसर दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है

क्लियर है मेरी बात अब जो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर गलत किए हैं उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है आपको होम एप्लीकेशन पर आना है आपको आपको होम टैब पर आना है आपको ये सब लिख कर रखने की जरूरत नहीं है कि जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए उनको लिख कर रखने की कोई जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपके लिए उनकी एक लिस्ट बना लेती है जिसे कहते ऑटोमेटिकलीस्ट रिविजन जब आप आते हैं और लिस्ट पर आकर आपको क्या करना है आपको क्वेश्चन करने हैं टॉपिक्स रिवाइज करने questions, मुझे रिवाइज हैं सभी सब्जेक्ट के करने हैं या जीए के करने हैं मुझे जीए के रिवाइज करने सभी यूनिट्स के करने हैं या जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स उसके करने हैं हाँ नेशनल और इंटरनेशन नेशनल अफेयर्स के करने हैं सभी चैप्टर्स के करने हैं या नेशनल और जियोपॉलिटिकल अफेयर्स के करने हैं तो आप यहां पर टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस माय ओवर टाइम इनकरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने गलत किए हैं वो यहां पर मिल जाएंगे करेक्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे क्योंकि जिस क्वेश्चन को आंसर देने में आपने बहुत टाइम लगाया लेकिन वो सही था लेकिन बहुत टाइम लगाया उनकी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो हमने गलत यहाँ पर टिक किए हैं और उस पर क्लिक करके आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे जो आपने गलत किए थे और इन क्वेश्चन की आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक साथ उनकी जो

तो उसके क्वेश्चन भी इसी लिस्ट में आएंगे बुकमार्क क्वेश्चन पर बुकमार्क करना पड़ेगा और बुकमार्क करने के बाद सबसे नीचे आएंगे आप लोग होम टैब में तो क्वेश्चन वाले सेक्शन में माई बुक वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपने बुक किए हैं तो बुक वाला अलग मिलेगा और गलत क्वेश्चंस को अलग टिक किया जाएगा ठीक है भाई क्लियर है मेरी बात सभी को चलिए अब यहां पर एम्बाइव एप्लीकेशन से लेते हैं अलविदा अपने घर पर आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वहां पर कीजिए इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अब अदर क्वेश्चन के लिए मैं यहां पर वापस आऊंगा दस क्वेश्चन में वहां पर प्रैक्टिस करा चुका हूं तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर इलेवन से शुरुआत करूंगा यहां तक का डिस्कशन अगर आप सभी को पसंद आया है देन डू लाइक द सेशन एवरी फटाफट से सेशन को लाइक like जरूर कर दीजिएगा नमन जी गुड आफ्टरनून वेलकम डियर वेलकम स्वागत है आपका चलिए फटाफट से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पर्सन इन न्यूज आंसर देना शुरू कीजिएगा हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के तौर पर किसे वापस से नियुक्त किया गया है किसे रीअपॉइंट किया गया है पीएम मोदी जी का सलाहकार अंश सिंह को यहां पर अपॉइंट किया गया अमित खरे प्रमोद कुमार अमित गुप्ता आदेश खरे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है अमित खरे ऑप्शन नंबर बी रिसेंट अमित खरे जी को यहां पर क्या अपॉइंट किया गया है अमित खरे को यहां पर सलाहकार यानी कि एडवाइजर अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसका आंसर दीजिएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर चर्चा में थे खबरों में थे क्योंकि उन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल इन दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जिसका आयोजन चाइना में हुआ था ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आपके यहाँ पर जीता था एशियन गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में और अगर मैं सही हूँ तो इन्होंने एशियन गेम्स के लिए सबसे पहला मेडल आपके यहाँ पर जीता था सही जवाब ये किस गेम से संबंधित है यह शूटिंग के गेम से संबंधित है गौरव जी गुड आफ्टरनून और बिल्कुल सही कहा शूटिंग इज द राइट आंसर हियर। शूटिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है यह शूटिंग के गेम से संबंधित है क्वेश्चन नंबर थर्टीन आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर हाइड हो जाऊंगा हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी के तौर पर नॉमिनेट होने वाले पहले एशियन पर्सनैलिटी पहले एशियन खिलाड़ी कौन बनते हैं लियेंडर पेस रोहन बोपन्ना महेश भूपति सोमदेव देववर्मन या ये सभी के सभी खिलाड़ी ऑल ऑफ द अबब पाँच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर पहली बार फर्स्ट एशियन जो कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट किए गए हैं वो है आपके लियंडर पेस ऑप्शन नंबर ए लियंडर पेस इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आंसर रिसेंटली अवार्ड हैज बीन गिवन टू द कैटलिन करीको एंड ये चर्चा में थे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नोबेल प्राइज की तो इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन लिटरेचर और पीस का नोबेल प्राइज दिया गया पांच ऑप्शन सही जवाब कैटलिन करीको और ड्रू विशमैन को जो रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया वो किस फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया है अनुरूप अर्पित आकांक्षा सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर यानी कि मेडिसिन देख लेते हैं यस ऑप्शन नंबर सी मेडिसिन का नोबेल प्राइज इनको दिया गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिसेंटली दी फादर ऑफ द ग्रीन रेवल्यूशन एम एस स्वामी नाथन पास जावे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे तो ही वाज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज इन विच ईयर इन्हें किस वर्ष वर्ल्ड फूड प्राइज आपके यहां पर दिया गया था हाल ही में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज से उन्हें कब सम्मानित किया गया था पाँच ऑप्शन वर्ल्ड फूड प्राइस से उन्हें कब सम्मानित किया गया था पांच ऑप्शन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 1981 इस क्वेश्चन का सही जवाब है नहीं बिल्कुल गलत 1981 एट्टी वन इज नॉट दी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब उसके जस्ट नीचे है 1987 और यही कारण यहाँ पर बनता है कि आपको रिवीजन करते रहना होगा और मैक्सिमम लोगों ने जैसे शुरुआत में ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक किया तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर बी ही आंसर दिया है बट इसका सही जवाब बी नहीं बल्कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है 1987 में एम एस स्वामीनाथन जी एम एस स्वामीनाथन जी की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें जब भी ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन और अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर दुनिया में हरित क्रांति के जनक ग्रीन रेवल्यूशन के जनक कौन थे तो आपका आंसर क्या होगा नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा एम एस स्वामीनाथन जी ने गेहूं और चावल की बात करें इंडिया के अंदर सबसे पहले ग्रीन रेवल्यूशन गेहूं और चावल की जो वेराइटीज होती हैं उसमें यूज किया गया था इन्होंने बेसिकली जो व्हीट की वेराइटीज होती हैं वीट यानी कि गेहूं तो इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम जेनेटिकली मॉडिफाई बीज बनाए थे वीट के गेहूं के ऐसे बीज बनाए थे जेनेटिकली मॉडिफाई करके जिनसे हर बाली से गेहूं की बाली होती है जिसमें गेहूं के दाने होते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और आसानी से रोग नहीं लगता था इंडिया के अंदर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब हरियाणा और यूपी में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आपका हुआ था वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बार लोग आपके यहां पर बनेगा आंसर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंसर टिक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ध्यान से आंसर दीजिएगा हुजीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और ए एस सी आई भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर रिसेंटली कैसे नियुक्त किया गया है रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट आपका बनता है सिक्किम 2016 में भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट जहां पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है वो सिक्किम था और भारत की सबसे पहली यूनियन टेरिटरी, भारत की सबसे पहली यूनियन टेरिटरी आपकी यहाँ पर जो बनती है वो आपकी बनती है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी जिसको यहाँ पर ऑर्गेनिक यूटी का दर्जा मिला यहाँ पर आंसर रहेगा स्वागत गुप्ता ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है कोशन, कोशन कोशन, कोशन विल प्रेस्टीजियस नॉर्मन बारोक फील्ड अवार्ड 2023 ट्वेंटी थ्री प्रतिष्ठित और सम्मानित नॉर्मन बार फील्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में क्यों क्योंकि नॉर्मन बारलोक जी का संबंध एग्रीकल्चर से ही था दुनिया में हरित क्रांति के जो जनक आपके बनेंगे वो नॉर्मन बारलोक थे और एग्रीकल्चर की फील्ड में ये अवार्ड मिलेगा तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वाति नायक को रिसेंटली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर 18 इज कि गौरी गिल हैज वॉन विच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रिक्सपिक्टेट फोटोग्राफी एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गौरी गिल ने वार्षिक प्रिक्सपिक्टेट फोटोग्राफी एंड सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार का कौन सा एडिशन कौन सा संस्करण आप का यहां पर जीता है एडिशन आपको यहां पर बताना है कि कौन सा एडिशन यहां पर गौरी गिल ने जीता है सिंपल सा क्वेश्चन है ध्यान से रीड करके आंसर दीजिएगा करेक्ट आंसर कई बार हम सब कुछ याद कर लेते हैं लेकिन फिर एडिशन जैसी चीजें हमसे पूछती जाती हैं कि कौन सा संस्करण है क्योंकि संस्करण बेसिकली नंबर्स में होते हैं तो उनको याद रखना काफी मुश्किल होता है तो जब आप पीओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पीओ लेवल के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेंथ एडिशन ऑफ द प्रिक्स पिक्टेड फोटोग्राफी एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये किसे दिया गया है गौरी गिल को दिया गया है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आंसर जिएगा हुई बाई दवर्मेंट तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा गठित दूसरी वेतन संशोधन समिति का प्रमुख यानी कि इसके हेड यहां पर कौन होंगे पांच ऑप्शन सही जवाब इसके हेड यहां पर कौन होंगे पांच ऑप्शन सही जवाब तेलंगाना के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तेलंगाना के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कमेटी बनाई गई है पे रिवीजन कमेटी जिसे तेलंगाना की राज्य सरकार ने अपॉइंट किया है बनाया है इसके हेड जो आपके बनते हैं कमेटी के वो हैं आपके एन शिवशंकर जी ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड अर्पित और अनुरूप एन शिवशंकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेंगे रिसेंटली अगर हम लोग बात यहां पर करें तेलंगाना राज्य के नए चीफ मिनिस्टर की तो तेलंगाना राज्य के नए चीफ मिनिस्टर जो रिसेंटली आपके अपॉइंट हुए हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा कितने लोगों को मालूम है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आंसर दीजिएगा फटाफट से प्रो चाइना लीडर यानी कि चीन समर्थक ये नेता है चीन समर्थक ये नेता हैं नाम है इनका मोहम्मद मुयुजू वन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री बाय दी 54.06 परसेंट वोट्स चीन समर्थक नेता मोहम्मद मुयुजू ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव 54.06 परसेंट वोटों से आपका यहाँ पर जीत लिया है पांच ऑप्शन सही जवाब ये मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट आपके यहाँ पर बनते हैं मोहम्मद मुयुजू इन्हें बेसिकली चीन समर्थक नेता माना जाता है याद रखिएगा वेरी गुड

20 क्वेश्चन हो चुके हैं एक बार सभी लोग फटाफट से, से सेशन को लाइक कर दीजिएगा विच क्रिकेट लेजेंड हैज बीन अपॉइंटेड बाय द आईसीसी एज द ग्लोबल ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी ने किस क्रिकेट दिग्गज को वनडे विश्व कप 2023 का वैश्विक अम्बेसिडर या ग्लोबल अम्बेसिडर आपका यहां पर नियुक्त किया है तो ग्लोबल एम्बेसिडर जो बनाए गए हैं वो सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं और ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का एक, एक स्टैचू भी इनग्रेट किया गया है ग्लोबल एम्बेसिडर की बात की जाएगी सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसिडर की बात की जाएगी आंसर रहेगा शाहरुख खान ठीक है ना क्लियर है क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियन गेम्स तो एशियन गेम्स में बेसिकली यहां पर इतिहास रच दिया है एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो आपकी यहाँ पर बनी है उनका नाम पहली भारतीय महिला एथलीट जिन्होंने जेवलिन थ्रो में यहां पर हिस्ट्री बनाई है एशियन गेम्स में करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा अनु रानी ऑप्शन नंबर ए रानी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री The Nobel Prize in 2023 साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किस देश के लेखक जॉन फोजे या जॉन ओलाव फोजे को आपके यहाँ पर प्रदान किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा लिटरेचर का नोबेल प्राइज रिसेंटली दिया गया है जॉन फोजे को जो कि बिलोंग करते हैं आपके नॉर्वे से तो ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे इज द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ध्यान से सुधा मूर्ति बिकेम द फर्स्ट वेमेन टू गेट दी ग्लोबल इंडियन अवार्ड व्हाट इज़ द प्राइज मनी गिवन इन दिस अवार्ड सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला आपके यहाँ पर बन गई हैं इस पुरस्कार में दी जाने वाली पुरस्कार राशि आपके यहाँ पर कितनी है पांच ऑप्शन सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड में पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपकी यहां पर बनी है इस पुरस्कार में दी जाने वाली पुरस्कार की जो धनराशि आपकी यहां पर बनती है वो कितनी रहेगी पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा धनराशि जो आपकी यहां पर बनती है वो है फिफ्टी थाउजेंड यूएस डॉलर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ये सभी पर्सनलिटीज दो हजार तेईस में काफी वर्ल्ड फेमस हुए तो आपको बताना है कि मोंगी बावेंडी लुइस ब्रूस एलेक्सी एकिमोव हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर विच वर्क मोंगी बाविंडी लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकी मोव को निम्नलिखित में से किस लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से आपके यहाँ पर सम्मानित किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब तो इन्हें नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो डिस्कवरी ऑफ द क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर डॉक्टर जोइिता गुप्ता हैज रिसीव्ड स्पिनोज़ा अवार्ड द हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब किस फील्ड में उनको ये अवार्ड दिया गया है तो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 27 अह हु विल हेड द एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई आरबीआई के द्वारा अपेक्षित क्रेडिट हानि ढांचे पर गठित बाहरी कार्य समूह का प्रमुख आपका यहां पर कौन होगा आरबीआई ने रिसेंटली

निम्नलिखित में से साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड या साहित्य अकेडमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दो से किसे सम्मानित किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट करेक्ट आंसर यहां पर रहेंगे ऑप्शन नंबर डी दिलीप नोंग मैथम जी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर आप सभी को यहां पर देना है कमेंट सेक्शन में तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि 2023 एडिशन ऑफ दी एयरफोर्स डे परेड जो कि 8 अक्टूबर को आयोजित की गई थी कि उस एयरफोर्स डे परेड के उसकी कमान जो थी उसके जो कमांडर थे वो कौन थी आपकी इनमें से पांच ऑप्शन तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट थर्टी, ये भी आपका यहां पर रहेगा होमवर्क क्वेश्चन कि यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्टी ये है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दंजानिया कंट्री बिकम द फर्स्ट वेमेन जो कि पहली महिला बनी है जिन्होंने यहाँ पर ऑनररी डायरेक्टरेट यानी कि डायरेक्टरेट की, की उपाधि हासिल की है डायरेक्टरेट की डिग्री रिसीव की है जे यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पांच ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा तो, तो टोटल थर्टी एम का डिस्कशन इस सेशन के साथ हुआ कंप्लीट देन डू लाइक द सेशन एवरी सेशन को लाइक like यहाँ पर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग और मेक श्योर कीजिएगा कि आप डेली बेसिस पर एम बाइव एप्लीकेशन के प्रैक्टिस वाले टैब पर जाकर आप सभी यहाँ पर बुक्स प्रैक्टिस जरूर करते रहें एम्बाइव एप्लीकेशन के अडेप्टिव प्रैक्टिस वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्या कर सकते हैं आपके सामने दो बुक्स हैं जिसमें मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि करंट अफेयर्स एक्सप्रेस 365 को आप लोग कवर जरूर कर लें डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चन एम्बाइव एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग क्या करते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन है और ये एक शानदार एप्लीकेशन है जो कि आपके रिविजन को बहुत ही शानदार आपकी प्रैक्टिस को बहुत ही शानदार बनाएगी तो इसको डेली बेसिस पर आप लोग कुछ क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करते रहें बाकी लर्न वाले टैब में जाकर नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तो आपको यहां पर हमारी लाइव लाइव क्लासेस क्लासेस भी भी देखने को को मिल जाएंगी तो अपकमिंग रजिस्टर कर लीजिएगा तो तो अपकमिंग लाइव क्लास जो मेरी रहेगी रहेगी वो तारीख तारीख को तो यानी कि कल 300 6 को क्या करना है? नीचे आपको ये लेनी है इसका लाभ उठाइएगा ओके थैंक यू सो मच एवरी लाइव एंड कीप एम बाइविंग बिकॉज एम बाइविंग इज बेटर देन लर्निंग आज के लिए सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू